पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्रीमान जगदीप धनकर जी, केंद्रीय संस्कृति और टूरिज्म मंत्री श्री किशन रेड्डी जी, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से जुड़े सभी महानुभाव, विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स, कला और संस्कृति जगत के दिग्गज देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव है, पुन्नो पालोन लागने महान विप्लवी देर ऐतिहासिक आतो बलिदानेर प्रति समग्र भारतवासी पक्ष थेके आ भूमि प्रणाम जनाच्छि। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी ना शस्त्र जिसे काट सकते हैं, ना अग्नि जिसे जला सकती है। देश के लिए बलिदान देने वाले ऐसे ही होते हैं, उन्हें अमृतत्व प्राप्त होता है, वो प्रेरणा के पुष्प बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सुगंध बिखेरते रहते हैं। इसलिए आज इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। हम सबको इन वीरों की गाथाएं देश के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस बार शहीद दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है। देश आज आजादी के लिए योगदान देने वाले नायक नायिकाओं को नमन कर रहा है, उनके योगदान की स्मृति को ताजा कर रहा है।
बाधा जतिन की वो हुंकार, आमरा मरबो जात जांगबे, या फिर खुदराम बोस का आह्वान, एक बार विदाई दे मां, एक बार विदाई दे मां घुरे आशी, पूरा देश आज फिर याद कर रहा है। बंकिम बाबू का वंदे मातरम तो आज हम भारतवासियों का ऊर्जा मंत्र बन गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जलकारी बाई, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, मातंगिनी हाजरा, बीना दास, कमला दास गुप्ता, कनकलता बरुआ, ऐसी कितनी ही वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को नारी शक्ति से प्रज्वलित किया। ऐसे सभी वीरों की स्मृति में आज सुबह से ही अनेक जगहों पर प्रभात फेरियां निकाली गई हैं। स्कूल कॉलेजों में हमारे युवा साथियों ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अमृत महोत्सव के इसी ऐतिहासिक कालखंड में शहीद दिवस पर विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी का लोकार्पण हुआ है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, राजबिहारी बोस, खुदीराम बोस, बाघा जतीन, बिनॉय, बादल, दिनेश, ऐसे अनेक महान सेनानियों की स्मृतियां से ये जगह पवित्र हुई है। निर्भीक सुभाष गैलरी के बाद आज विप्लवी भारत गैलरी के रूप में पश्चिम बंगाल की कोलकाता की हेरिटेज में एक खूबसूरत मोती और जुड़ गया है। साथियों, विप्लवी भारत गैलरी बीते वर्षों में पश्चिम बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने और संवारने की हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। यहां की आइकॉनिक गैलरीज हो, ओल्ड करेंसी बिल्डिंग हो, बेल्वेडेर हाउस हो, विक्टोरिया मेमोरियल हो या फिर मेटकॉब हाउस, इनको और भव्य और सुंदर बनाने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। विश्व के सबसे पुराने म्यूजियम में से एक कोलकाता के ही इंडियन म्यूजियम को भी नए रंग रूप में दुनिया के सामने लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हमारे अतीत की विरासतें हमारे वर्तमान को दिशा देती हैं। हमें बेहतर भविष्य गढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए आज देश अपने इतिहास को, अपने अतीत को ऊर्जा के जागृत स्रोत के रूप में अनुभव करता है। आपको वो समय भी याद होगा जब हमारे यहां आए दिन प्राचीन मंदिरों की मूर्तियां चोरी होने की खबरें आती थी, हमारी कलाकृतियां बेधड़क
विदेशों में स्मगल होती थी, जैसे उनकी कोई अहमियत ही नहीं थी। लेकिन अब भारत की उन धरोहरों को वापस लाया जा रहा है और अभी हमारे किशन रेड्डी जी ने विस्तार से उसका वर्णन भी किया है। दो दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने दर्जनों ऐसी मूर्तियां, पेंटिंग्स और दूसरी कलाकृतियां भारत को सौंपी हैं। इनमें से अनेक पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पिछले साल भारत को अमेरिका ने भी लगभग 150 कलाकृतियां लौटाई थी। जब देश का सामर्थ्य बढ़ता है, जब दो देशों के बीच अपनत्व बढ़ता है, तो इस तरह अनेकों उदाहरण सामने आते हैं। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 2014 से पहले के कई दशकों में सिर्फ दर्जन भर प्रतिमाओं को ही भारत लाया जा सका था, लेकिन बीते 7 सालों में ये संख्या 225 से भी अधिक हो चुकी है। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की ये निशानियां भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ी को निरंतर प्रेरित करे, इसी दिशा में ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। भाइयों बहनों, आज देश जिस तरह अपनी राष्ट्रीय और आध्यात्मिक धरोहरों को एक नए आत्मविश्वास के साथ विकसित कर रहा है, उसका एक और पक्ष है। ये पक्ष है हेरिटेज टूरिज्म। हेरिटेज टूरिज्म में आर्थिक दृष्टि से तो अपार संभावनाएं है ही, इसमें विकास के नए रास्ते भी खुलते हैं। दांडी में नमक सत्याग्रह की स्मृति में बना स्मारक हो या फिर जलियांवाला बाग स्मारक का पुनर्निर्माण हो, एकता नगर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मारक का निर्माण, दिल्ली में बाबा साहब मेमोरियल हो या फिर रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और संग्रहालय, अयोध्या बनारस के घाटों का सुंदरीकरण हो या फिर देश भर में ऐतिहासिक मंदिरों और आस्था स्थलों का जीर्णोद्धार, हेरिटेज टूरिज्म बढ़ाने के लिए भारत में एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। स्वदेश दर्शन जैसी कई योजनाओं के जरिए हेरिटेज टूरिज्म को गति दी जा रही है और पूरी दुनिया का अनुभव यही है कि कैसे हेरिटेज टूरिज्म लोगों की आय बढ़ाने में, रोजगार के नए अवसर पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाता है। 21वीं सदी के भारत अपने इस पोटेंशियल को समझते हुए ही आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत को गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड से आजादी 3 धाराओं के संयुक्त प्रयासों से मिली थी। एक धारा थी क्रांति की, दूसरी धारा सत्याग्रह की और तीसरी धारा थी जन जागृति और रचनात्मक कामों की। मेरे मन में ये तीनों ही धाराएं
तिरंगे के तीन रंगों में उभरती रही है। मेरे मन मस्तिष्क में बार बार ये भाव प्रकट होता है, हमारे तिरंगा का केसरिया रंग क्रांति की धारा का प्रतीक है, सफेद रंग सत्याग्रह और अहिंसा की धारा का प्रतीक है, और हरा रंग रचनात्मक प्रवृत्ति की धारा का, भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा के प्रचार प्रसार का, देशभक्ति से जुड़ी साहित्यिक रचनाएं, भक्ति आंदोलन, ये सारी बातें उसके साथ निहित है। और तिरंगे के अंदर नीले चक्र को मैं भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक के रूप में देखता हूं। वेद से विवेकानंद तक, बुद्ध से गांधी तक, ये चक्र चलता रहा। मथुरा के वृंदावन, कुरुक्षेत्र के वृंदावन के मोहन, उनका सुदर्शन चक्र और पोरबंदर के मोहन का चरखाधारी चक्र, ये चक्र कभी रुका नहीं। और साथियों, आज जब मैं विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कर रहा हूं, तो तिरंगे के तीन रंगों में नए भारत का भविष्य भी देख रहा हूं। केसरिया रंग अब हमें कर्मठता, कर्तव्य और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रेरणा देता है। सफेद रंग अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का पर्याय है। हरा रंग आज पर्यावरण की रक्षा के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत के बड़े लक्ष्यों का प्रतीक है। ग्रीन एनर्जी से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक, बायोफ्यूल से लेकर के इथेनॉल ब्लेंडिंग तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर गोबरधन योजना शुरू तक, सब इसके प्रतिबिंब बन रहे हैं। और तिरंगे में लगा नीला चक्र आज ब्लू इकोनॉमी का पर्याय है। भारत के पास मौजूद अथाह समुद्री संसाधन, विशाल समुद्री तट, हमारी जल शक्ति भारत के विकास को निरंतर गति दे रही है। और साथियों, मुझे खुशी है कि तिरंगे की इस आन बान और शान को और बढ़ाने का बीड़ा देश के युवाओं ने उठाया हुआ है। ये देश के युवा ही थे जिन्होंने हर दौर में भारत के स्वाधीनता संग्राम की मशाल अपने हाथ में थाम रखी थी। आप याद करिए, आज के दिन जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई, तो ये 23-24 साल के ही नौजवान थे। खुदीराम बोस की उम्र तो फांसी के समय इनसे भी बहुत कम थी। भगवान बिरसा मुंडा 25-26 साल के थे। चंद्रशेखर आजाद 24-25 साल के थे। और इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को थरा कर रख दिया था। भारत के युवाओं का सामर्थ्य ना तब कम था और ना आज कम है। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, कभी अपनी शक्तियों को, अपने सपनों को कम नहीं आंकिएगा। ऐसा कोई काम नहीं जो भारत का युवा कर ना सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो भारत का युवा प्राप्त ना कर सके। आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत
जिस भी ऊंचाई पर होगा, 2047 में हिंदुस्तान जहां जिस ऊंचाई को पहुंचेगा वो आज के युवाओं के दम पर ही होगा। इसलिए आज जो युवा है उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए नए भारत के निर्माण में अपना योगदान। अगले 25 वर्षों में भारत के युवाओं की मेहनत भारत का भाग्य बनाएगी, भारत का भविष्य संवारेगी। साथियों, भारत की आजादी के आंदोलन ने हमें हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करने की प्रेरणा दी है। आजादी के मतवालों की क्षेत्रीयता अलग अलग थी, भाषाएं बोलियां भिन्न भिन्न थी, यहां तक कि साधन संसाधनों में भी विविधता थी, लेकिन राष्ट्र सेवा की भावना और राष्ट्रभक्ति एक निष्ठ थी। वो भारत भक्ति के सूत्र से जुड़े थे, एक संकल्प के लिए लड़े थे, खड़े थे। भारत भक्ति का यही शाश्वत भाव भारत की एकता अखंडता आज भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी राजनीतिक सोच कुछ भी हो, आप किसी भी राजनीतिक दल के हो, लेकिन भारत की एकता अखंडता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। बिना एकता हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी सशक्त नहीं कर पाएंगे। देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान, संवैधानिक पदों का सम्मान, समस्त नागरिकों के प्रति समान भाव, उनके प्रति संवेदना देश की एकता को बल देते हैं। आज के इस समय में हमें देश की एकता के खिलाफ काम कर रहे प्रत्येक तत्व पर नजर रखनी है, उसका कड़ाई से मुकाबला करना है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो एकता के इस अमृत की रक्षा करना ये भी हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। भाइयों बहनों, हमें नए भारत में नई दृष्टि के साथ ही आगे बढ़ना है। ये नई दृष्टि भारत के आत्मविश्वास की है, आत्मनिर्भरता की है, पुरातन पहचान की है, भविष्य के उत्थान की है, और इसमें कर्तव्य की भावना का ही सबसे ज्यादा महत्व है। हम आज अपने कर्तव्यों का जितनी निष्ठा से पालन करेंगे, हमारे प्रयासों में जितनी पराकाष्ठा होगी, देश का भविष्य उतना ही भव्य होगा। इसलिए आज कर्तव्य निष्ठा ही हमारी राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, कर्तव्य पालन ही हमारी राष्ट्रीय प्रेरणा होनी चाहिए, कर्तव्य ही भारत का राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। और ये कर्तव्य है क्या? हम बहुत आसानी से अपने आसपास अपने कर्तव्यों के संबंध में निर्णय भी कर सकते हैं, प्रयास भी कर सकते हैं, परिणाम भी ला सकते हैं।
जब हम सड़कों पर चलते हुए ट्रेनों में, बस अड्डों पर, गलियों में, बाजारों में गंदगी नहीं फैलाते, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। समय पर वैक्सीनेशन कराना, जल संरक्षण में योगदान देना, पर्यावरण बचाने में मदद करना भी कर्तव्य पालन का ही तो एक उदाहरण है। जब हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, दूसरों को इसके प्रति जागरूक करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तो वो भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जब हम कोई स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, वोकल फॉर लोकल होते हैं, तब भी हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जब हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देते हैं, तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज ही भारत ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट हमारी इंडस्ट्री की शक्ति, हमारे एमएसएमईज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के सामर्थ्य का प्रतीक है। साथियों, जब एक एक भारतीय अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, पूरी निष्ठा से उसका पालन करेगा, तो भारत को आगे बढ़ने में कोई मुसीबत नहीं आएगी, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम अपने आसपास देखें तो लाखों लाख युवा, लाखों लाख महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे परिवार कर्तव्य की इसी भावना को जी रहे हैं। ये भावना जैसे जैसे प्रत्येक भारतीय का चरित्र बनती जाएगी, भारत का भविष्य उतना ही उज्जवल होता जाएगा। मैं कवि मुकुंद दास जी के शब्दों में कहूं तो, की आनंदो ध्वनि उठलो, की आनंदो ध्वनि उठलो, बंगो भूमे भारत भूमे। जेके छे आज भारतवासी आर की माना सोने, लेगे छे आपन काये जार जान नीचे मोने। कोटि कोटि भारतीयों की भावना निरंतर सशक्त हो, क्रांति वीरों की भावना से हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रहे, इसी कामना के साथ विप्लवी भारत गैलरी के लिए मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वंदे मातरम, धन्यवाद।